हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो। आज यहाँ पर शाहिद आफरीदी ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सब उन्हें उनको देखे हैं, हम सब उनसे सीखते हैं। साउथ अफ्रीकन बोर्ड को आरे हाथों लिया है और क्रिटिसिज्म किया साउथ अफ्रीकन बोर्ड पर, जो कि बिल्कुल वाजे बनता था। उसके ऊपर आपसे बात करेंगे और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा इसके ऊपर। मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक दफा फिर से आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा। उसके अलावा आईपीएल 2021 में अब कुछ ही घंटे बाकी रह चुके हैं और कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2021 का पहला और सबसे बड़ा टाकरा भी आप कह सकते हैं खेलेगी। गेमी शुरू हो चुकी है, जहां मर्जी जाए आप आईपीएल की बातें अब हो रही हैं कि आईपीएल में क्या होगा, कौन जीतेगी। मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैं आईपीएल में किस टीम की प्रेडिक्शन देता हूं, कल के मैच की प्रेडिक्शन दूंगा। उसके अलावा टॉप स्कोर और टॉप विकेट टेकर मेरे हिसाब से कौन होगा वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों ने लाजमी देखना है। अपनी बात का आगाज करते हैं यहाँ पर शाहिद आफरीदी की लेटेस्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को भेज रहे हैं यहाँ पर आईपीएल खेलने और एक ओडीआई मैच खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका का बोर्ड अपने प्लेयर्स को रोक नहीं सका, ये साउथ अफ्रीकन बोर्ड के लिए एक शर्म की बात है यार। मतलब कि पाकिस्तानी जंग हो रही हो, कोई मर्जी हाल हो, हम ऐसे सामने जाते हैं कि पता नहीं हम दूसरी टीम के लिए चले जाते हैं, जो मर्जी हालात हो आगे। लेकिन यहाँ पे एक हम साउथ अफ्रीका कोई जा ही नहीं रहा था, कोरोना इतना साउथ अफ्रीका कोई नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ आपने ऑस्ट्रेलिया जाना हो, मेलबर्न में कर्फ्यू लगा है, आप सारे जाएंगे। ये कहा यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ बिल्कुल सही बात की शायद आप लीजिए। मतलब कि क्या दुख क्या बनता है आपका जाना, आप साउथ अफ्रीकन बोर्ड अपनी दफा हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं इन हार्ड टाइम्स, उन्होंने हमें सपोर्ट किया हमारे हार्ड टाइम्स पे, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को भेज दिया सारों को। और फिर जब पाकिस्तान जीतता है तो आप क्या कहते हैं, हमारी तो फुल स्ट्रेंथ टीम ही नहीं थी। तो भाई हम क्या करें, आपने हमने कहा था आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ना खिलाएं, ये हमने कहा था आपको, ये आपने खुद ही अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाई है, तो उसमें हमारी क्या गलती है भाईजान, आप खुद अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिला सकते हैं, तो हम क्या करें, हम इसमें हम जीते हैं तो दैट्स इट। दुनिया ये याद रखेगी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के वो पहली एशियन टीम बनी है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में दो सीरीज हराई है, और वो हिस्ट्री की पहली टीम बनी है, दूसरी टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में दो सीरीज हराई है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया याद रखेगी, ये दुनिया नहीं देखेगी कि कौन सा प्लेयर था कौन सा प्लेयर नहीं था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें पाकिस्तान इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम टुमारो, इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के दरमियान, कैप्टन रोहित वर्सेस कैप्टन कोहली, किंग कोहली वर्सेस रोहित मान शर्मा। क्या होगा, कितना इंटरेस्टिंग मैच होगा। पाकिस्तानी टाइम स्टैंडर्ड 7:30 आप इस मैच को अपनी टेलीविजन स्क्रीन से सामने देख सकते हैं। और इस मैच के अंदर अगर आप बात करें तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, अगर आप देखें तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बायस भी हो रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जाएगी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। और मुझे लगता है कि कोहली इस दफा आईपीएल में कुछ खास करेंगे और हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे और जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट लेकर रहेंगे। मैं यहाँ पर सपोर्ट करूंगा आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरू को, और आप किसको सपोर्ट करते हैं कॉमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। अब इस मैच की बहुत हाइप आ चुकी है, आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही लम्हात हैं, कुछ ही घंटे हैं, लेकिन एक जो बुरी खबर है कि आईपीएल का मुकाबला कोविड से भी हो रहा है और कोरोना भी आईपीएल को तंग कर रहा है, ये भी एक सैड खबर है। लेकिन देखते हैं, होपफुली आईपीएल पूरा हो जाएगा। लाइक करें चैनल को, शेयर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।